दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएमए दाखिला लेने के लिए पहली कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। ड्यू के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की पहली कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले 2% तक बढ़ी है। हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ 99% और हिस्ट्री ऑनर्स 98% हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है, साथ ही बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ बच्चे अपने फाइनल वेरिफिकेशन के लिए खड़े हुए हैं, एडमिशन की फाइनल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। आइए इनसे बात करके जानते हैं क्या कुछ कहना है। आप यहाँ एडमिशन के लिए आए हैं? हाँ। आपने जिस कोर्स के लिए अप्लाई किया था वो कोर्स मिल गया? हाँ। आप कहाँ से आए हैं? आई एम फ्रॉम केरला। केरला से आए? सो आप भी केरला से हैं? नहीं, फरीदाबाद। फरीदाबाद से? तो आपको जिस कोर्स के लिए, जिस एडमिट के लिए आपने एडमिशन लिया था वो आपको मिल गया? हाँ। तो खुद को लकी मानते हैं क्योंकि 99% कट ऑफ गया है, काफ़ी लोगों का नहीं भी हुआ है, तो हो गया तो हो गया, जैसा ठीक है, मेरे को मिल गया बस लकी। ओके, आप कहाँ से आई हैं? केरला। केरला से आई हैं? आपको पॉलिटिकल साइंस, आपने किस सब्जेक्ट के लिए? पॉलिटिकल साइंस। आपको मिल गया? ओके, आप कहाँ से आए? राजस्थान। राजस्थान। अच्छा, तो आपने किसके लिए अप्लाई किया था वो कोर्स? आपको मिल गया है? तो खुद को लकी मान रहे हैं? तो जैसा कि इन लोगों को तो वो कोर्स मिल चुका है जिसके लिए इन्होंने अप्लाई किया था। साथ ही एक बात मैं आपको और बता दूं कि पहली बार हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ 99% तक गया है, जिसके बाद ये बच्चे यहाँ एडमिशन के लिए खड़े हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश के साथ अंजलि गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।